देखिए, क्योंकि उन्होंने पूछा था आपसे पूछने के बाद किसी से पूछने की जरूरत ना हो, ठीक। इसी तरह इब्ने माजा की रिवायत है इस्तेकामत के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं इस्तेकामत इख्तियार करो, अगर तुम ये कर लो तो बहुत अच्छा है, दीन पर जम जाओ, मजबूत कदम हो जाओ, ठीक है, अगर तुम ये कर लो तो ये तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। इसी तरह हाकिम और इब्ने हिबान की रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं हदीस के अल्फाज इस तरह से कि आप सुन फरमाते इस्तेकामत अपना लो और लोगों के साथ हुस्ने अखलाक से पेश आओ। इस्तेकामत अपना लो और उसके बाद लोगों से हुस्ने अखलाक से पेश आओ।